फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है संडे और अभी मॉर्निंग के 10 बजने में भी 5 मिनट बाकी है और मेरी पूजा नहा धो के मैं रेडी हो चुकी हूँ। क्लीनिंग का भी सारा काम हो गया है। क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा काम आज नहीं था क्योंकि कल मैंने एक अपना वीडियो शूट किया होम टूर का, जो कि जल्दी आप लोगों के लिए आएगा, तो उसकी वजह से काफ़ी डीप क्लीनिंग भी हो गई थी। तो आज मैंने बहुत ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करी है, बस थोड़ा सा झाड़ू पोछा, बस जो डेली का होता है बस वही है, डस्टिंग वगैरह ज़्यादा नहीं करी है। तो जल्दी मेरा काम आज ख़त्म हो गया और कपड़े भी ज़्यादा नहीं वॉश करने थे। तो आज संडे है तो थोड़ा सा संडे स्पेशल कुछ ब्रेकफास्ट बनाने की मैं सोच रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड को पनीर की पकौड़ियाँ बहुत पसंद हैं, वो एक दिन लाए थे तो हम लोगों ने शाही पनीर बना लिया था, तो कल वो फिर से लेके आए हैं और आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर के पकौड़े। तो चलिए किचन में, और उसकी रेसिपी तो कोई बहुत खास नहीं है, सिंपल सी है, सभी को आता होगा। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, उसके बाद जो भी आज का मेरा रूटीन होगा वो आप लोगों को दिखाऊंगी। और अगर आप लोगों ने कल का मेरा ब्लॉग जो हमने डाला था शाही पनीर और नान का, वो अगर नहीं देखा है तो उसको भी देखिएगा। बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है और घर में बहुत ही अच्छे तरीके से अगर नान आप बनाना चाहें तो बहुत सॉफ्ट, बहुत ही अच्छी नान बन के तैयार होती है, खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप लोग ज़रूर चेक करिएगा जिन्होंने नहीं देखा है। तो चलिए चलते हैं, आज का जो संडे का दिन है उसको इंजॉय करते हैं। और मेरी डॉटर आज कल नानी के घर गई थी, वहीं पर रुक गई है, तो बस हम, मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ हैं, तो बस हम ही 3 लोग हैं घर पे आज। तो और पास में ही है वो, अभी थोड़ी देर में आ भी जाएगी। तो चलिए तब तक ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये मेरी पनीर की पकौड़ियाँ बन रही हैं और उधर इंडक्शन पे मेरी चाय भी चढ़ी हुई है, खोल रही है। इधर मैंने दूध चढ़ा रखा था तो चाय अधिकतर मैं इंडक्शन पे ही बनाती हूँ। तो ये पकौड़ियाँ बन रही हैं और इधर चाय। और मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया था, उसका आज बर्थडे है, तो मैं उससे बोल रही थी कि तुम्हारे बर्थडे का जो सेलिब्रेशन है वो मैं कर रही हूँ पकौड़ियाँ बना के, सुबह सुबह पनीर की, मैं वही बता रही हूँ। उसको मैंने विश करने के लिए फ़ोन किया तो उसने नहीं उठाया, फिर उसका फ़ोन आया तो मैं बना रही थी ब्रेकफास्ट, तो वही मैं उससे बता रही हूँ कि तुम्हारे बर्थडे की पार्टी मैं यहाँ पे कर रही हूँ सुबह सुबह। तो वो हंस रही थी क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम लोग नहीं मिल पा रहे हैं, लॉकडाउन नहीं होता तो फिर हम लोग बाहर कहीं मिलते हैं और एक दूसरे का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, इसी बहाने मिलना हो जाता है। तो वही मैं उससे बात कर रही थी कि इस बार तो कि सबके बर्थडे भी निकल गए, कुछ हम लोग मिल ही नहीं पा रहे हैं 7-8 महीनों से। तो ये देखिए हमारी पकौड़ियाँ तैयार हो गई हैं और अब जा रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट करने। तो चलिए ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। सो फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट हो गया और मेरा लंच भी बन गया है। लंच में, क्योंकि पनीर की पकौड़ी हैवी होती है, तो लंच में कुछ खास नहीं, बस खाली आलू लौकी की सब्जी, चावल, रोटी मुझे बनाना था, तो वो भी मेरा तैयार हो गया लंच भी। और मेरा अभी खाने का मन भी नहीं कर रहा है क्योंकि थोड़ा सा हैवी हो जाता है पकौड़ी, तो मेरे भूख नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना तब तक जो टाइम बचा है उसका कुछ यूज़ करते हैं। तो मैं ये जा रही थी कुशन का कवर बनाने, ये एक साड़ी का ब्लाउज़ था जिस पर मैंने गोल्डन ब्लाउज़ ले लिया, तो मैंने उस पर इस तरीके से गोल्डन पट्टी थी, तो मैंने उस साड़ी पे गोल्डन ब्लाउज को पहन लिया है। तो मैंने सोचा कि इसका मैं वो बना लेती हूँ कुशन कवर, छोटे कुशन का, इतने छोटे वाले कुशन का कवर। ये भी मैंने हाथ से ही बनाया है, सूट का कपड़ा था उसी का, तो क्योंकि ये बहुत हल्का है साड़ी की तरीके से, तो इसमें मैं अस्तर की जगह मेरा एक प्लाजो फट गया था उसी को मैंने प्रेस कर लिया है, और उसको प्रेस करके फिर मैं उसी उसके साथ इसको अटैच करके फिर बनाऊंगी। और ये जो गोल्डन बॉर्डर था ये ऊपर के साइड आ रहा था, जैसे कि अगर उसी में लगा रहने देते तो ये यहाँ पे, अगर वहीं लगा रहने देते तो ये यहाँ पे आ रहा था, तो यहाँ पे उतना नहीं है, बीच में ज़्यादा अच्छा लगेगा, या फिर यूं करके इसको लगा दें कुछ, या फिर कोई और डिज़ाइन दे दें। तो अभी मैं देखती हूँ क्या मुझे सही लगेगा, तो मैं उसको, या फिर किनारे किनारे से पाइपिंग दे दें, तो इसको मैं भी बना के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये मैं भी बाबिन में जा रही थी धागा बनने, मैंने सोचा चलो वीडियो भी थोड़ा सा शेयर कर लेते हैं। और ये जो, ये देखिए, ये क्वेश्चन ये मैंने दिखाया ना, ये भी मैंने ही बनाया था हाथ से, इसको तो मैंने हाथ से ही सिला था क्योंकि तब मेरी मशीन ख़राब थी। तो अभी अभी ये देखिए प्रेस वगैरह रखा है, मैंने इसको प्रेस कर लिया अच्छे से अस्तर को, ताकि कहीं भी झोल ना आने पाए। और फिर उसके बाद मैं इसको लगा के
तब फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इसमें मैं ये अस्तर को अटैच कर दूंगी ताकि ये जो दिखने में थोड़ा सा, ये जो इस साइड है इसको अंदर की साइड करके और ये साइड सिर्फ दिखेगा। तो इस अस्तर को मैं इससे सिल दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये अस्तर लग गया है और अब ये थोड़ा सा मोटा हो गया है, वरना सिंगल तो बहुत ही ज़्यादा पतला था तो उससे बिल्कुल ख़राब लगता। और अब बस सिंपल इस तरीके से हमें रख के और बस इधर उधर सिलाई चला के और इतना खोल देना है, बस हमारा कुशन बन के रेडी। और इधर देखूंगी मैं आगे इसको लगाती हूँ ये बॉर्डर, या आगे ज़्यादा अच्छा लगेगा इस टाइप से बीच में आएगी डिज़ाइन। तो इस टाइप के ऑनलाइन भी मैंने देखे हैं, तो वही डिज़ाइन है मेरे दिमाग में। तो चलिए अभी मैं खाना लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे तो नहीं खाना लेकिन 2 बज रहा है, तो पापा जी का और अपने हस्बैंड का खाना लगा दूँ, फिर उसके बाद मैं इसको आज रेडी करूँगी। तो रेडी हो जाता है तो फिर आप लोगों को दिखाती हूँ, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ जल्दी से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कुशन बन के रेडी हो गया है और अच्छा लग रहा है। बीच में ये जो मैंने रेड पट्टी दे दी, इसको मैं रख के दिखाती हूँ। तो ये देखिए बीच में ग्रीन के साथ रख के दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छा लग रहा है। और कोई चीज़ जब बनाओ अच्छी सी बन जाए तो बड़ी खुशी होती है, तो मुझे भी देख के बड़ा अच्छा लगता है। ये देखिए कुशन, और इस टाइप का मैंने एक येलो देखा था ऑनलाइन, तो उस पे येलो पे ग्रीन कलर का बॉर्डर लगा हुआ था, उसी से आइडिया लेके मैंने ये बॉर्डर कर, क्योंकि अगर ये बॉर्डर ना निकालती तो यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे अच्छा नहीं लगता वो, इसलिए मैंने इसको बीच में सिल दिया। और मुझे स्टिचिंग नहीं आती है, मैं कोई सिलाई में परफेक्ट नहीं हूँ, बस मुझे ऐसे ही सजाने का शौक़ है, तो मैंने इस तरीके से कुशन मैं बनाई हूँ। एक और मैंने बनाया था ये, उसके पहले एक और साड़ी के पल्लू का बनाया था, तो फिर मुझे याद आया कि ये ब्लाउज पीस जो है ये बचा रखा हुआ है, और फिर ये किसी यूज़ का नहीं था, ऐसे ही पड़ा रहता है इधर उधर, और बन गया। अभी इसमें 2 कुशन और बनेंगे, 2 मैंने और कट करके रखे हैं, तो उसमें पतली पाइपिंग लगाऊंगी, क्योंकि ये तो बीच का बॉर्डर था और जो किनारे का होता है पतला गोल्डन, इतना पतला सा है, तो उसको देखेंगे, उसको कुछ और डिज़ाइन बना देंगी मैं। तो ये बन गया, बैटरी इसकी जा रही है मेरे फ़ोन की। तो फ्रेंड्स बताइएगा कैसा लगा ये कुशन आप लोगों को, और जब कोई चीज़ अच्छी बन जाती है तो बहुत खुशी होती है, तो मुझे भी बड़ा अच्छा ये लग रहा है लग के। और ग्रीन के साथ या फिर किसी लाइट कलर के साथ इसको बीच में रखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। और दूर से भी देखिए कितना अच्छा इसका लुक आ रहा है, एक मिनट प्रेस हटा देती हूँ। तो बस ये मुश्किल से मुझे 15 से 20 मिनट लगा होगा सब चीज़ सिलाई करने में, अस्तर वगैरह, और ये कुशन बन के रेडी हो गया है। तो बस इसी तरीके से हम अपने टाइम का यूज़ भी हो गया और एक चीज़ बन के तैयार हो गई। तो जिस दिन इसी तरीके से मेरे पास कुछ काम कम होता है, खाना बनाने का या फिर कुछ ऐसा, तो मैं यही सोचती हूँ कि कुछ घर के डेकोरेशन का सामान कुछ बना लूँ। तो मुझे तो बड़ा सुंदर लग रहा है ये कुशन, आप लोग भी बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करके बताइएगा। और थोड़ा सा यहाँ से लूज लग रहा है शायद, देखूँगी अगर लूज़ लगेगा तो थोड़ा एक सिलाई और पास से चला दूँगी तो फिर एकदम फिट आ जाएगा। थोड़ा सा ढीला मैंने इसलिए भी रखा है, फिर कुशन अंदर घुसाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और पीछे ये इस तरीके से हो गया है, तो मैंने ना पीछे ये इस चीज़ को मैं सिलना भूल गई थी, तो मैं सोच रही हूँ इसको अभी निकाल के और ये ऐसे मोड़ के और कुछ बटन लगा दूँगी यहाँ पे, तो ये फिटिंग भी हो जाएगी और बंद करने का भी हो जाएगा, तो वो मैं बाद में करूँगी। अभी तो फ़िलहाल बन गया था तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ, बाद में मैं किनारा सिल के और एक बटन, 1 या 2 बटन लगा दूँगी, तो उससे इसकी फिटिंग भी अच्छी हो जाएगी और पीछे ये बंद करने का भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का मेरा जो संडे का ब्लॉग था वो उसको मैं यहीं पेंट करती हूँ। तो बताइएगा कैसा लगा ये मेरा ब्लॉग, कैसा लगा मेरा कुशन, अगर थोड़ा सा भी ब्लॉग अच्छा लगा हो या मेरा ये कुशन का आइडिया अच्छा लगा हो कि अनयूज्ड कपड़े को किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, तो एक लाइक ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को।
वीडियो को, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब जा रही हूँ मैं सोने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि मेरा सर बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, तो अब थोड़ी देर मैं रेस्ट करूँगी, उसके बाद फिर उठ के फिर अभी दो और बनाऊँगी। अगर आज बनाया तो आज, वरना अगर आज टाइम नहीं मिलेगा तो फिर कल बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।